आज हम बनाएंगे लाल साग। ये है सेहत का खजाना। इसे खाने से बहुत सारे फायदे हैं और इसे खाने से ब्लड भी होता है और उसके बाद जिसे पीलिया होता है डॉक्टर उसे भी इस साग को ज़रूर खाने बोलते हैं। तो लाल साग आप भी ज़रूर खाइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लाल साग ले लेना है और उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है और उसे अच्छे से धो लेना है, क्योंकि इसमें थोड़ा बालू होता है, इस वजह से अच्छे से धो लेंगे। और फिर इसे हम डाल देंगे एक डेगची में और फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़े से कटे हुए प्याज। प्याज डालने के बाद फिर इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्च। इसमें हम मिर्च का पाउडर नहीं डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। और फिर इसमें हम 8 से 10 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। लहसुन की कलियाँ डालने के बाद फिर इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नमक डाल देते हैं। इसमें नमक डल चुका है, इसमें नमक थोड़ा ही डालें क्योंकि ये साग उबलने के बाद बहुत कम हो जाता है। अब ये देखने में बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन जब इसे हम पकाएंगे थोड़ा हो जाएगा। फिर इसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि साग से भी अच्छा खासा पानी निकल जाता है। अब इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे और फिर इसे हम चढ़ा देंगे गैस पर। देखिए इसे हम गैस में चढ़ा देते हैं और इसे हम उलटते पुलटते हुए पका लेंगे। और साग का जो है प्याज और लहसुन को हमें फ्राई नहीं करना है, इन्हें हम इसे हम बगैर फ्राई करके ही बनाएंगे। इसे फ्राई करके बनाते हैं तो इसमें थोड़ा कड़वा टेस्ट आता है। आप एक बार बगैर फ्राई करके इस तरह से बनाकर देखिए, फिर आपको टेस्ट में खुद ही फ़र्क पता चल जाएगा कि ज़्यादा कौन सा टेस्ट अच्छा है, जो प्याज और लहसुन को फ्राई करके बनाते हैं वो वाला या इस तरह से। अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो जिसको पीलिया हुआ है वो भी बहुत ही आराम से खा सकते हैं। ऐसे भी आजकल तेल मसाला खाना ऐसे भी डॉक्टर कम ही खाने बोलते हैं, इस वजह से आप इस तरह से इस साग को ज़रूर खा कर देखिए और ये आपको तले भुने साग से ज़्यादा ही टेस्टी लगेगा। और इसे हमें अब कुछ नहीं करना है, बस गैस में इसी तरह से चलाते हुए पकाना है। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो खुद ही आपको पता लग जाएगा कि ये अच्छे से पक चुका है, या फिर एक साग को उठा के आप अपने हथेली से मसल के देखिए, अगर ये अच्छे से मैश हो जाता है तो ये रेडी हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये रेडी हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए साग बनाना कितना आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार साग है, ज़रूर खाइए।